अच्छा, जनरल जिया साहब के बारे में तो आ जाता है कि उन्होंने हर तरह से लोगों को सप्रेस किया, उनके हुकूक सप्रेस किए, जर्नलिस्टों को मारा, कोड़े मारे, भुट्टो साहब की फांसी को तो फिर केस ही अलग है। तो ये सब कुछ करने के बाद भी आप समझते हैं कि जनरल साहब जो कुछ कर रहे थे वो जस्टिफाइड था? तो कोड़ों की बात जो है ना वो इस तरह से मशहूर की हुई है जैसे कि किसी को सड़क से हमारे को कोड़े लगे, हमारे साथ हिंदुस्तान के बैसियों से निकले, शराबे पकड़ते हुए पकड़े गए यहाँ पे। ये सारे लोग शराब पीते हुए पकड़े गए? अमूमी तौर पे लोग यहाँ पे जिना करते हुए पकड़े गए, होटलों से उनको पकड़े। साफियों की बात कर रहे हैं? जिनके नहीं, मैं साफियों की बात, साफी तो वो थे जिनको पकड़ा गया था जो हिंदुस्तान की एम्बेसी से पैसे लेके निकले थे, वो रंगे हाथों पकड़े गए थे। उनको सजा मिली। अच्छा, आज ये काम नहीं हो रहा, देना नहीं हो रहा है? आज हो रहा है। इमरान खान की आप ऑडियो नहीं सुन रहे? उनसे पूछे ना जो हुक्मरान है। मैं तो हुक्मरान नहीं हूं। नहीं, अगर आप इसने ही इसको आप समझते हैं कि ऐसे जस्टिफाई हालात थे, बिल्कुल तो इमरान खान तो इतराफ कर रहे हैं कि मैं तो प्ले बॉय था कभी। ये तो मेरा आज के हुक्मरानों से पूछ रहा, मैं तो किसी को कहता कि किसी को फांसी लगाया, किसी को कोड़े मारे। अच्छा, ये कहा जाता है कि जनरल जियाउल्लाह के दौर में जिहादी बनाए गए और अफगानिस्तान की वॉर लड़ी गई, फिर वही जिहादी कन्वर्ट हुए तालिबान की शक्ल में, उनको ट्रेन किया गया, इसी एस्टेब्लिशमेंट ने उनको ट्रेन किया। आज यही एस्टेब्लिशमेंट उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है, कहीं मुलाकात भी कर रही है टीटीपी से। इसको आप किस एंगल से? यही गलती है, यही आप लोग भी नहीं समझे, अमरीका भी नहीं समझा, हमारी पाकिस्तान भी नहीं ये समझ सका। देखें, जो जहाद अफगानिस्तान था वो एक अलग फिनोमेनन था, उसमें पाकिस्तान का एक भी फौजी शहीद नहीं हुआ। अगर हुआ हो तो मुझे लगता है वो तो जहादी बनाया ना सर इस काम के लिए। तो जहादी क्या, पाकिस्तान की फौज तो इंटरफेयर नहीं कर रही थी। नहीं, ठीक है, वो हमारा किसी ना अमरीकन ने एक अपना कदम जो है अफगानिस्तान की सरजमीन पर नहीं रखा, एक हमारा फौजी शहीद नहीं हुआ, एक भी। अगर एक भी हुआ हो तो मैं कहूंगा उसमें, ठीक है, वो जहाज लड़ा पाकिस्तान ने अपने दफा के, क्योंकि आज अगर रूस को वहां ना रोकते तो शायद ग्वादर आपके पास ना होता। तो सर वो जो पूरी बात कर लो अपनी, ये फिनोमेनन जो पैदा हुआ है जिसको आप जहादी कह रहे हैं, ये जहादी नहीं है, ये 9/11 के बाद पैदा हुआ जब मुशर्रफ साहब ने फैसला किया अफगानिस्तान में जंग लड़ी। आपने कहा एक फौजी भी वहां नहीं गया, तो वो जहादी गए ना जिनको ट्रेन किया था पाक फौज? जहादी गए नहीं, जहादियों ने लड़ी ना वो जंग। जहादी तो जहां से मर्जी जाए ना, उसमें पाकिस्तान तो उसकी ट्रेनिंग का तो एक बार को ट्रेनिंग आप बताएं, कुछ सबूत बताएं कि पाकिस्तान ने ट्रेन किया इंटरनेशनली, एक एग्जाम पाकिस्तान पे लगाया था। पाकिस्तान में इसलिए लगाया था, अमरीका भी इसके अंदर इन्वॉल्व हुआ था। 2 साल तक तो अमरीका सोया हुआ था, जब उन्होंने देखा कि अब रूस जो है वो फंस गए, सारी दुनिया अभी साथ करी। आज टीटीपी की जो पोजीशन है और जिस तरीके से जब तक हम इस बात को क्लियर नहीं करेंगे कि अफगानिस्तान के मुजाहिदीन और टीटीपी में जमीन आसमान का फर्क, आप समझते हैं ये फिनोमेनन पैदा हुआ है 9/11 के बाद, जब मुशर्रफ को धमकी दी गई कि वी सेंड यू बैक टू द स्टोन एजेस, और उन्होंने राहदारी भी दे दी, उस कोलिशन का हिस्सा भी बन गए, उसके रिएक्शन में ये सारा कुछ हुआ। 80,000 लोगों की हमने जानों की कुर्बानी दी है, $150 अरब का हमने इकोनॉमिकली नुकसान उठाया। ये क्लैशनकोफ कल्चर, ये हीरोइन कल्चर, ये सब जवलक के दौर में तो हुए हैं। और ये क्लैशनकोफ कल्चर उस वक्त आई जुल्फिकार अली भुट्टो के जमाने में, जबकि बलूचिस्तान के अंदर फौज कशी हो रही थी, इतनी फौज प्रोरेटा जितनी उस वक्त पाकिस्तान की फौज थी, जितनी आज फाटा में और इधर ईस्ट बॉर्डर पे है हमारे वेस्टर्न बॉर्डर पे, उतनी ही फौज जो उस वक्त थी बलूचिस्तान के अंदर। उस वक्त अफगानिस्तान से, रूस से, पाकिस्तान के दुश्मनों से सारा असला आ रहा था बलूचिस्तान के अंदर। ये तो जनरल जियाउल्लाह का है तो खत्म हुआ जब उन्होंने एमनेस्टी दी। सब इंतहा पसंदी का बानी कहा जाता है जनरल जियाउल्लाह को, तो कहने को तो आप कुछ भी कह सकते हैं। नहीं तो उसके सबूत भी तो मौजूद है ना। नहीं, क्या बताया ना, क्या समझ, जितनी पाकिस्तान में मजहब पाकिस्तान के अंदर ईरान जो था वो अपने हमदर्दों को सपोर्ट कर रहा था, जो गल्फ के बाकी ममालिक अपने हमदर्दों को कर रहे थे, तो पाकिस्तान उसका निशाना बन गया। अच्छा, आप नहीं समझते कि वो इंडिया पसंदी जियाउल्लाह, कोई बताएं तो सही, कोई ऐसा वाकया बताएं उनके जमाने में। सिर्फ फिरका वाला ना वाकयात हादसात हुए हैं और वो कोई बम धमाके हुए सब है ना, सिवाय एक के वो जो अरब हुसैनी का हुआ था कत्ल पेशावर में,
और कोई इतने सारे कराची में पूरे पाकिस्तान में डॉक्टर्स मार दिए, इंजीनियर्स मार दिए, वो सब उसका ऐसा नहीं था आपके ख्याल? तो ये एमकेएम वालों ने किया, बाद में डॉक्टर्स को मारा। और सबसे बड़ा जयाउल्लाह का कारनामा था जो आज हम पुरमन है, क्या कि वो अफगानिस्तान का जहाज ना होता तो आज पाकिस्तान न्यूक्लियर ना होता, आज पाकिस्तान एटॉमिक ना होता जिसको अब रोल बैक करने की कोशिश की जा रही है, तो आज आप हिंदुस्तान आपके टैंक हमारे ऊपर से गुजर गए। जुल्फकार अली भुट्टो के दौर में शुरू ना वो प्रोग्राम था, वो शुरू उस वक्त एक छोटी सी लेबोरेटरी में, चले मैं मानता हूँ बुनियाद तो रखी, लेकिन अब आप मेरे साथ जिद ना करें, देखिए उस वक्त एक लेबोरेटरी में, ये कभी भी ना बन रहे। चागी के टनल कब बने? 1979 में शुरू हुए, 1983 में खत्म हुए, 1984 में पाकिस्तान ने कोल्ड टेस्ट किया।